हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर एक न्यू अपडेट आया है। जैसे हम इंस्टाग्राम में जाकर दिखा देते हैं, यहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम में आ गए और इंस्टाग्राम में आने के बाद यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे आ जाते हैं और प्रोफाइल पे आने के बाद जैसे आप प्रोफाइल के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्रेड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसी के बगल में आपको न्यू का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब ये इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में न्यू ऑप्शन को है जो ऐड कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन को है जो क्यों ऐड कर दिया गया है, इसका क्या मतलब है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्रेड्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यूजर नेम रहेगा वो है जो देखने को मिलेगा और उसी के साइड में आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि उसी के नीचे आपको गेट थ्रेड्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे गेट थ्रेड्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्ट है जो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस में ला देगा। मतलब यही कि इंस्टाग्राम ने एक न्यू एप्लीकेशन लाया है जिसका नाम थ्रेड्स है। यह है जो ट्विटर के तरह काम करेगा, मतलब जो ट्विटर में फीचर रहेगा वही आपको थ्रेड्स के अंदर देखने को मिलेगा। आप है जो प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रेड्स को और आपको इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको थ्रेड्स का ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद इसमें क्या क्या फीचर है, इसको कैसे ओपन करना है, ये सारे कुछ है जो आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और यहाँ पे जो थ्रेड्स है जो इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे हम इसको ओपन करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये भी आपको फ्रॉम मेटा ही देखने को मिलेगा। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स तीनों ऐप है जो मेटा के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आप जैसे थ्रेड्स ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जो भी मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम को ओपन किए होंगे, मतलब आप जिस भी यूजर को आप लॉगिन किए होंगे इंस्टाग्राम में, वो है जो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब आप इस पे क्लिक करके आप है जो अपने इंस्टाग्राम को ही यहाँ पे आप थ्रेड्स में है जो ओपन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहे तो आपको नीचे भी स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पे क्लिक करके आप है जो अदर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसी अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं जो इंस्टाग्राम में है। तो हमने है जो इस पे क्लिक कर दिए और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का है जो आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपका प्रोफाइल फोटो लगाने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में जो प्रोफाइल लगाए होंगे अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आपको नीचे इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम में जो बायो रहेगा, जो भी आप इंस्टाग्राम के अंदर लिंक को अटैच करके रखेंगे, वो है जो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अगर आप अपना से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से हम कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने न्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से कोई भी फोटो ऐसी बताने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने डीपी को लगा दिया। अगर आप यहाँ पे बायो को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे बायो पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बायो का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जो भी इंस्टाग्राम में लगाए होंगे बायो, अगर आप उसको यहाँ पे अगर लिखवाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट बायो फ्रॉम इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जो आपका इंस्टाग्राम में बायो रहेगा वो आपको यहाँ पे थ्रेड्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इंस्टाग्राम में रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करके इम्पोर्ट है जो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इम्पोर्ट कर दिया और यहाँ से हम इसको सही वाला टिक कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे लिंक को ऐड करना चाहते हैं तो लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम इंस्टाग्राम पे नीचे क्लिक करेंगे तो जो भी आप इंस्टाग्राम में लिंक को अटैच किए रहेंगे वो है जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, हमने जो लिंक को अटैच नहीं किए हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए ऊपर आपको इस तरह से डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यही बोल रहा है कि आप अपना आईडी को पब्लिक रखना चाहते हैं या आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोफाइल और नीचे आपको प्राइवेट प्रोफाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम पब्लिक ही छोड़ देते हैं और पब्लिक को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही जो भी आपका इंस्टाग्राम में फ्रेंड रहेगा, आप जिसको फॉलो किए हुए रहेंगे, वो है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थ्रेड्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है जो देखने को मिल जाएगा, मतलब थ्रेड्स ऐप है जो कैसे काम करेगा वो है जो सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहे तो नीचे
आपको ज्वाइन थ्रेड्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इस ज्वाइन थ्रेड्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और जैसा आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अलाउ और डोंट अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा अलाउ कर देते हैं, और यहाँ पे आपको थ्रेड्स के अंदर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये न्यू ऐप है इसीलिए लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सारा कुछ है जो यहाँ पे ट्विटर के तरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस तरह से ट्विटर में यहाँ पे लाइक ट्वीट और रीट्वीट का ऑप्शन था, सेम आपको थ्रेड्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सारा फीचर और सारा ऑप्शन ट्विटर के तरह ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी अकाउंट को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च वाला बटन भी आ जाएगा, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके आप जिसको यहाँ से सर्च करना चाहते हैं उसको है जो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इतने हैं जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलो रिक्वेस्ट। तो अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से आप कन्फर्म भी कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे होम पे आना है, और यहाँ पे आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। रीट्वीट ट्वीट लाइक जो भी करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट करना हो तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके आप अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप थ्रेड्स को है जो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये थ्रेड्स ऐप के बारे में आप सारा कुछ है जो समझ गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और एक और बात बता दी कि अगर आप मेरा चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड टिप्स या इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे।